देश राम के भरोसे चलता है। राम से तो मूवी रिलीज हो गई है। मूवी में अक्षय कुमार एक आर्कोलॉजिस्ट के रूप में नजर आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी कंपनी है जो राम सेतु को डिस्ट्रॉय करना चाहती है, तो वो अक्षय कुमार को अपॉइंट करते हैं टू प्रूव कि ये कोई पौराणिक प्रॉपर्टी नहीं है। वहीं पर इंडियन गवर्नमेंट उस राम सेतु को बचाना चाहती है। इस मूवी में अक्षय कुमार भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं और वो फाइंड आउट करने जाते हैं कि ये पौराणिक प्रॉपर्टी है कि नहीं। मूवी के एंड होते होते उनका भगवान पर विश्वास बढ़ जाता है। हजार साल पुराना इतिहास आसानी से कैसे मिलेगा? मूवी का एंड बहुत अच्छे पॉइंट पर करा है, बहुत अच्छा सस्पेंस है इसमें। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। नंबर वन, मूवी बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है। नंबर टू, मूवी पर बहुत ज़्यादा काम किया जा सकता था लेकिन मूवी को बहुत जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करी गई है। ये इतना अच्छा टॉपिक था कि इसको एक ऐतिहासिक मूवी बनाया जा सकता था। अक्षय कुमार की आदत है मूवी को बहुत जल्दी ख़त्म करने की, दूसरा प्रोजेक्ट शुरू करने की, लेकिन कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो बहुत कुछ रिक्वायरमेंट मांगती हैं, आपका टाइम मांगती हैं, आपका CGI VFX बहुत ज़्यादा अच्छा मांगती हैं, स्टोरी पर बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए, लेकिन ये मूवी को बहुत जल्दीबाजी में निपटाया गया है। फिर भी मैं बोलूँगा वन टाइम वॉच मूवी है, आप जाकर इस मूवी को देखिए। थैंक यू सो मच।